अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी अच्छे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल इन ब्लॉग फॉर MW। और आज ये संडे, तो सबको हैप्पी संडे। अभी बज रहा 11:07। मैं चावल लेटा के गोली लेके बैठी, गोली हाथ में, डायबिटीज थायराइड दोनों का। सैटरडे, शनिचर और रविवार, संडे, दो दिन मेरा गोली दो रहता, मतलब 10 mg, 100 mg का गोली रहता थायराइड की। और डायबिटीज़ का नॉर्मल जो गोली रहता है वही रहता है हमेशा का गोली, खाली थायराइड की गोली 100 mg रहता है संडे, सैटरडे संडे दो दिन। और बाकी मंडे टू फ्राइडे 50 mg रहता है। इस बार ही डॉक्टर ने बढ़ाया, इस बार गई थी नहीं क्या अभी दिखाने के लिए, तभी बढ़ाया डॉक्टर ने गोली मेरी। अभी तो इसी महीना गई थी मैंने शायद, हाँ इसी महीना गई थी, याद नहीं है मेरे को, क्योंकि दिसंबर में जाने का मेरे को डॉक्टर दिखाने, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर नहीं अगस्त दिसंबर में जाने पे। चाय लेके बैठी हूँ, चाय पीने का, चाय पीऊँ। दिसंबर में मेरा भी है, लड़का का आँखी का भी टेस्ट है, उसका भी 3 महीने में बोला आँखी चेकअप कराने का, तो दिसंबर में उसका भी आँखी का भी चेकअप होगा। नल चालू है रे, तो चावल बैठा है, चावल बैठा है, चावल लो रहे, मतलब बैठा है, मतलब कल की चावल बहुत बच गया। कल ऊपर से बिरयानी आया था, ऊपर हल्दी चालू है ना, शादी चालू है ऊपर। हम लोग का जो ओनर है उनका मायके में शादी है, तो उधर से रहा था खाना, क्या वहाँ मत कर, आज बारिश नहीं है ना, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर बादल बादल हो रहा है। कल बारिश हो रहा था, फिर रात शाम से थोड़ा कम हो गया था बारिश, थोड़ा कम हो गया, फिर थोड़ा गिर रहा था, फिर चालू बन चल हो रहा था, लेकिन आज बारिश नहीं है। बारिश नहीं रहेगा ना तो बहुत काम होता है, बारिश रहेगा ना एक भी काम नहीं होता है, क्योंकि बारिश में बहुत कंटल आता है। सोचिए भाजी व कुछ भी सामान लाए भी नहीं जाता है, छतरी पकड़ो क्या, थैली पकड़ो क्या, ये पार्स पकड़ो क्या, पकड़ो ये सोचना पड़ता है। तो इसके लिए अच्छा है बाबा आज बारिश नहीं है बोल के, कभी भी आ भी सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है। और कल की चावल बचा उसको बैठा दी, सीटी लग जाएगा ना एक दो तो गर्म हो जाएगा, खा लेंगे। चावल फेंकने का नहीं, बहुत अच्छा चावल है, महंगा भी है। अभी हम लोग राशन के चावल खाना बंद कर दिए, अभी खरीद के लेके आते चावल, वही चावल खाते हैं। राशन की चावल अच्छा दे रहा था, बीच में बहुत अच्छा दे रहा था, पहला जब हम लोग ले रहे थे ना एक नंबर चावल दे रहा था। धीरे धीरे जैसा जैसा टाइम आते बीतते गया ना, वैसा वैसा उन लोग ने ना चावल खराब देने लगा, जैसा बहुत पुराना चावल, उसमें ऐसा झूना एकदम प्लास्टिक वाला कुरमुरा वाला चावल ये सब दे रहा था, फिर बहुत कीड़ा था चावल में, बहुत गंदा था। तो मैंने बोले यार मत लाओ वो चावल, अभी मैं खरीद के लाओ, तो फिर खरीद के ही लाया। आज संडे बोल के दूध चाय, लड़की दूध चाय बना के गए, आज लड़की का जल्दी ड्यूटी रहता है, संडे को 9 बजे का ड्यूटी रहता है, वो मेरी नुमाल है।
संडे को उसका 9 बजे का ड्यूटी रहता है और बाकी दिन मंडे टू सैटरडे उसका 10 बजे से ड्यूटी रहता है। देख अंडा है क्या? उसको मैंने बोली थी, उसको बोली थी मैंने ये रगड़ा बना दू, रगड़ा बना रो और तू पाव लेके, पाव और रगड़ा हो जाएगा अपने आप, रगड़ा पाव खा लेंगे अच्छा लगता। कुकर का सीटी बैठा का तो बोलता है नहीं अभी गया संडे को भी भार का नाश्ता नहीं किए ऐसा ऐसा, वो बोलता है भार का नाश्ता नहीं किया बोलता है, और बाद में जो करता है उसका हिसाब नहीं रखते हो। संडे को नहीं करता है लेकिन दूसरा दिन तो करता है, और संडे को सुबह नाश्ता नहीं किया लेकिन शाम को पानी पूरी खा के आए हम लोग जाके। बोलता है शाम हम लोग नाश्ता नहीं किए मैंने संडे को, तो नहीं ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, मेरे को इडली मेहंदी वड़ा खाने का, आप बनाए नहीं तो आप चालू हो गए मेरा ऊपर चढ़ना, क्यों नहीं बनाए। बोलता है क्यों नहीं बनाए तुमने, खुद ही बोल रहा है, आप खुद ही पड़ जाता है इन लोग कैसा है ये सब। चाय पी के हो गया और आज देख लो क्या बनाते, आज नॉन वेज नहीं बनेगा, आज वेज खाना बनेगा, आज वेज खाना बनाएंगे, आलू भी है, आलू भी बटाटा की भाजी बनेगा बस और कुछ नहीं। तो चलो चलो बस आलू भी बनाने वाली, आलू भी तेल डाल दी और इधर आलू भी बॉयल करके काट के रखी। बाबा तेल था उसमें, तो तेल था, धुआं निकल रहा है मतलब तेल ही है। हाँ जीरा तेजपत्ता डाल दी, पानी हाँ तू डाला पानी जब तक मम्मी जल जाए। चलो बस कांदा हो गया लाल, भी डाल दूँ मसाला, अदरक लहसुन हरा मिर्ची जीरा एक कांदा और 2 टमाटर हल्दी नमक धनिया पाउडर बड़ा चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर और छोटा चम्मच का 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 चम्मच और टिक्का वाला कम डाली क्योंकि गरम मसाला डालेंगे तो टिक्का हो जाएगा। अब अच्छे से भूज के ले चल। देखे इतना डरपोक है मेरा बेटा, उसका हाथ नहीं पोंछता है ना, देखे कैसा खड़ा हो पंखा साफ कर रहा। चल ले कॉर्नर पे, वो देख कॉर्नर पे था, जान दीजिए वो जैसा आता ना उसको उसको मैं पकड़ के रखी है, देख पूरा सब गंदा कर दिया। और नहीं है चल हो गए, वो झाड़ू लगा रहा है वो अभी सब साफ कर लेंगे, वो उधर का भी सब साफ कर लेंगे। आप पहले पूरा वो साफ कर ले फिर लगा झाड़ू, पीछे सब कचरा है, तू कैसा झाड़ू लगा रहा है? हाँ अरे इसके लिए तो ये पहले सब इस साइड करके यहाँ से नहीं तो झाड़ू लगा रहा है लगा। मसाला होएगा तेल छूट के आया थोड़ा होगा।
लहसुन बटाटा डाल दो, आड़ भी डाल दो क्योंकि आड़ भी मसाला का सब भूंगे जाएगा ना, फिर पानी डालेंगे, फिर गरम मसाला दोनों का अच्छे से भून के लो। इधर जितना भी साफ करो इधर इतना ही पसरा हो जाता है, क्यों समझ में नहीं आते है मेरे को। क्यों काम सर चीज, मैं अभी बैठे बैठे सब साफ कर रही हूँ, जो कागज नहीं चाहिए वो सब फेंक दे, सब मैं साफ करूँ बैठे बैठे। मैं जरा भाजी बैठा कर फिर ये सब ये कर रही हूँ, साफ कर रही सब। जो वो पानी बॉटल उठा ग्रीन वाला, सब पानी बॉटल का भर सक, इसका पानी फेंक क्या, तो वो ग्रीन वाला बॉटल उधर रख एक नर पे आए, इसका पानी फेंक क्या, वो तुम लोग ये सेक ले तो और पानी वैसा ही रख दे दो। मैं खाना भी बना रही हूँ वो भी देख रही, दोनों देख रही पानी डाल दे। होममेड गरम मसाला, मेरे को दुकान का गरम मसाला पसंद नहीं है, मैं इसके लिए खुद घर पे ही बना दूँ, और बहुत खुशबू आती है गरम मसाला का, होममेड गरम मसाला में। मैं बना के एक ही बार में रख देती हूँ, वो मेरा चलता रहता बस, और पानी नहीं डालूँगी और कुछ नहीं, अभी इसको ढक के पका लूँ हो जाएगा। चलो सब साफ किया, एक पानी फेंक क्या, ये पूरा वो साफ करेंगे अभी, झाड़ू लगा के ये पूरा ये हो गया सब पूरा, वो भी साफ कर लिया, उधर कपड़ा था सब कपड़ा पूरा चला गया। पाल्टी करके रख उसको, उधर ही पाल्टी करने का था, इधर शोकेस के ऊपर नहीं पाल्टी करने का, पानी गिरता है शोकेस खराब हो जाएगा। मेरा ब्लू मेरा ईयरफोन उधर है, झाड़ू लेके झाड़ू से ये करो इसको घुमा, देख लो देख लो गाइस, देख लो आज सुबह उठे अच्छे से नहाए धोए और जितनी मैंने और घुसने के बाद अभी पता नहीं कौन सी एनर्जी आ चुकी है, अभी सूरज भारत अभियान चालू कर दिए हम लोग। अम्मा ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये स्वच्छ भारत अभियान तुम्हारी वजह से चल रहा है, तो चलने देना अच्छी बात। तुम ही बोले थे ना कल पूरा घर साफ करने का, हो गया, इधर भी पूरा कपड़े का बोझा था सब लेके गया, ये साफ हो गया, ये भी साफ हो गया, अभी थोड़ा बाकी है, तो अच्छी बात है ना। और इधर बाकी है, ये है अपना कचरे का भंडारा, ये मैं झाड़ू मार के इधर तक लेके आया, हम एक से मैं इधर तक कचरा लेके आया, मेरे को पता नहीं क्या सूझा मैंने इसको साफ कर दिया और इतना कचरा सब पूरा घर साफ होएगा। मम्मी ने एक साफ करा, अब वापस से झाड़ू मारना पड़ेगा, आज लगता है ये कचरे को हॉल से ही लेके जाना पड़ेगा ना मम्मी, किचन तक एक्सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ तो बोला इधर देख के बोला, इधर इधर कुछ बोला क्या बोला, स्वच्छ भारत अभियान ना 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 दिन रा इरादा कर लिया हमने क्या इरादा कर लिया हमने, स्वच्छ भारत अभियान खाना भी कुछ बता दी, अब स्वच्छ भारत अभियान करते और बाद में मिलते, देख लो अभी तक चालू ही है। अरे खिड़की में जितना भी साफ करो, झाला है वो पोल से मकरी आती है और इस खिड़की में भी, इस खिड़की में भी लगा देख लो, एक दरवाजे के खिड़की के इधर और एक है, पूरे बिल्डिंग में लाइटिंग ना मम्मी, ऊपर से पापड़ी पापड़ी #पापड़ी वन
अभी लगता वापस से लाने पड़ेगा। चलेगा। मैं जरा इसको अंदर घुसा लूँ, घुसा ली। उसमें MRI का ये MRI कराई नहीं क्या, उसका रिपोर्ट है ओपी फिल्म में सब। चलिए रख दूँ। CT scan का बेडरूम में ये MRI का है। ये अगर लड़का को देती थी ना झाड़ू लगाने के लिए, वो लगाता तो सही बात है, लेकिन ना सही से नहीं लगा पाता था। झाला साफ की सब झाला उला सब को नरका झाड़। चलिए मैं लगा लूँ झाड़ू, पूरी भर। चलिए गाइस, खाना बन गया, भाजी बन गया। भाजी बेटा दी थी मैं बोली झाड़ू लगा लेंगे भाजी बेटा के, तो मैंने बोली आज घर भी थोड़ा साफ कर लूँ। घर भी बहुत बिगड़ा था, इधर बहुत सामान बिगड़ा हुआ था, गोली उली सब जो ख़त्म हो गया वो सब फेंक देने का, जो नहीं चाहिए वो सब गोली रख देने का एक सेफ जगह में, जब जरूरत गिरता है तब निकाल दो, नहीं तो नहीं। ऐसा है मतलब स्पेरिंग हो गया तो फेंक देने का। स्पेरिंग का पहला चलता है, जैसे लड़का का पैरासीटामॉल है बहुत गोली है जो मैं ला के रखती हूँ, जैसा जैसा ख़त्म होता है 4-5 रहता है तो मैं ला के रख देती हूँ, क्योंकि उसको दोबारा फिर चाहिए रहता है इसके लिए। और पैरासीटामॉल उसको रोज नहीं खाता है, वो रोज नहीं चाहिए रहता है। पैरासीटामॉल जब उसको भूखा रहता है तब भी दे तो, या बॉडी दुखता है तब भी, उसको भूखा रहता है तब भी उसको पैरासीटामॉल दे दो। डॉक्टर ने खुद ही बोला उसको भूखा रहेंगे तो ही पैरासीटामॉल देने का, नहीं तो नहीं। तो इसके लिए तब भी दे तू पैरासीटामॉल, उसका पहला आदर्श कौन सा भी गोली नहीं दे तू, उसका जो गोली चालू है वही वो खाता है। जैसे आइसोलिन से किडनी का गोली, वो अभी 2.5 mg खड़ा है, मतलब 5 mg का आधा खड़ा है, 2.5 mg करके खड़ा है। 7 दिन 2.5 mg खाने का, 1 दिन छोड़ के 7 दिन खाने का 2.5 mg। तो अभी 2.5 mg गोली खड़ा है। अभी जाने का है मंगलवार को उसका ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाने का, 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को उसका ब्लड टेस्ट कराने जाने का, 3 अक्टूबर को डॉक्टर दिखाने के लिए जाने का। अभी पता चलेगा जो उसका इन्फेक्शन कितना कम है कि क्या है। बाड़िया में ना गोली देता था उसका इन्फेक्शन ये वैसे ही रहता था, वो ना उतना कम होता था ना कुछ नहीं, वैसे वैसे ही रहता था। तो ये प्लस थ्री ऐसा ही चलता था। फिर डॉक्टर लोग चिलम चिली करता था, जे तेरा गोली
कम कर दो तो फिर तेरा वैसा ही बढ़ जाता है फिर ऐसा वैसा। लेकिन केम का डॉक्टर ने गोली कम रखा था, गया बार जो टेस्ट कराए थे अपन इतना टेस्ट कराए सब, उसमें इंशाल्लाह पूरा नॉर्मल आया था। डॉक्टर ने बोला उसका इन्फेक्शन नॉर्मल है, केम का डॉक्टर ने बोला था। तो फिर बोला था इतना इतना करने का, पहला 5 mg देने का, फिर 2.5 mg देने का, फिर ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट कराने का, फिर लेके आने का, फिर देखेंगे। तो अभी वही करा के लेके जाएंगे, देखेंगे क्या होता है क्या बोलता है। तो ये और मेरे को केम का डॉक्टर लोग के ऊपर विश्वास है, क्योंकि मैं इधर देखाती थी ना डुम्बली में मानव कल्याण हॉस्पिटल है उधर, इतना गोली लिख के देता था मेरे को, मेरा थायराइड और डायबिटीज़ का दिखाती थी, थायराइड और डायबिटीज़ का चलते इतना लंबा चौड़ा गोली, बीपी का गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली, थायराइड की गोली, इसका डायबिटीज़ की गोली, फिर ऊपर कैल्शियम विटामिन की गोली, मतलब गोली गोली इतना गोली था। और जब से मैं केम में दिखाने लगी ना, तब से मेरा गोली का डो ये कम हो गया, खाली थायराइड की गोली और कैल्शियम विटामिन की गोली चलता है। और हफ्ते में वो एक गोली है कैल्शियम की गोली आता है, हफ्ते में एक ही खाने का, वो गोली चलता है। और मेरा इसका क्या बोलते हैं डायबिटीज़ की गोली और वजन कम करने का गोली, बस डायबिटीज़ की गोली तो 3 टाइम है, थायराइड की गोली 1 टाइम है, कैल्शियम विटामिन की गोली भी 1 टाइम ही है, और वजन कम करने वाला गोली भी 1 टाइम, जिससे वजन कम वेट लॉस का गोली भी 1 टाइम है बस। और वो हफ्ते वाला गोली वो खाने का हफ्ते हफ्ते में एक ही गोली खाने का, रोज नहीं था वो, रोज नहीं है हफ्ते में, इसके लिए पता है। और फिर ब्लड टेस्ट करा के जाती हूँ मैं, फिर गोली ये करता है उन लोग। इधर तो बहुत महंगा महंगा गोली था, ऊपर से हर महीने में जाओ, महीने महीने में जाओ दिखाने के लिए, और फिर बाढ़ एकदम लंबा चौड़ा बिल बना के देता था। और तो उधर केम में उतना बिल नहीं बनाते, उतना गोली है लिख के नहीं देते, 3 महीना बाद बुलाता है, और गोली का उतना ही जो गोली रहता है वो ही रखता है। और उन लोग को लगता है नहीं अभी ये गोली बंद करने का, तो बंद या कम ज़्यादा करते हैं बस, और कुछ नहीं ऐसा है। तो मेरा लड़का को भी उधर ही देखा रहूँ, तो अभी उसका सूजन उजन नहीं है, देख के आप लोग उसका सूजन नहीं है, भूखड़ भी उतर गया उसका, सब ही हो गया, उसका आँखी का टेस्ट हो गया जो इसमें बाड़िया में नहीं कराया था, आँखी का टेस्ट नहीं, एक्सरे नहीं, कुछ भी नहीं किया था, इतना ब्लड टेस्ट भी नहीं, टाटा का टेस्ट भी नहीं, लेकिन केम में सब करा लिया। तो ये तो खाना आज भेजी बनाई, कुछ बात ऐसा हो गया जिसके चलते भेज खाना भेज बनाना पड़ा। तो खाना बनाए तो मैं उधर खाना बना रही थी, तो लड़का देखी बोला मैं झाड़ू लगाएंगे, मैं झाड़ू लगाएंगे, तो मैंने बोली ठीक है लगा, उल्टा मैं बोर हो रहा हूँ, खेलने का कुछ नहीं है, मेरा मोबाइल नहीं है, मोबाइल टूट गया, उसका मोबाइल टूट गया, तो एक ही मोबाइल दिया था एक जन, तो टूट गया, बहुत साल चला था वो मोबाइल बहुत साल चला था, तो टूट गया, ख़राब हो गया। तो अभी वही बोलता मोबाइल नहीं है कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूँ, बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, टीवी भी चलते चलते बंद हो जा रहा है, अभी उसी दिन 700 रुपये दे के ठीक करा, फिर वही ये हो रहा है, चल रहा है चलते चलते अचानक बंद हो जा रहा है। तो ये तो अभी वो बोला मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, तो मैंने बोली ठीक है लगा, तो बोर काम करता रहेगा ना, बच्चे लोग तो बोर नहीं होएगा, खेलने का कोई नहीं, खेलने जाएंगे तो मारपीट होता है, ये होता है, इसके लिए वो जाता ही नहीं किधर खेलने, घर पे ही रहता है, या टीवी नहीं तो मोबाइल ये सब, और लैपटॉप ला के दिया उसका पापा, थोड़ा हल्का में लाना चाहिए था, वो इतना धबरा लैपटॉप ला के दिया, इतना हैवी जो वो भी ये नहीं करता, फिर भी वो लेके बैठ सकता था लैपटॉप का, इधर का जो बोर्ड बोली नहीं क्या, ये साइड का बोर्ड खराब हो गया, खोलना पड़ा था पानी का चलता,
वो अभी तक बनाए नहीं, हस्बैंड बोलते बोलते बनाए भी नहीं, मैं और कुछ बोली भी नहीं, जान छोड़ दी बोलना, जब मर्जी होगा बनाए बनाए, नहीं बनाए नहीं बनाए। तो ये तो अभी हो गया बेडरूम में, बेडरूम में कपड़ा भाड़ा पड़ा था, लड़की उठाते भी नहीं ना कुछ, तो अभी वही साफ कर रहा है सब कपड़ा, घड़ी करके लगा है, हाँ लगा है सब कपड़ा लगा दिया, घड़ी कर करके, घड़ी कर करके सब एक जगह में किया, अभी लगा रहा है। फिर क्या कर रहा है क्या मैंने, झाड़ू लगा रहा है सर, बेडरूम झाड़ू हो गया फिर भी वो लगा रहा है। मैंने बोली कचरा उठाने के, मेरे को बोलता है तुम जाके बैठो, मैं कचरा उठा रहा हूँ, मैं कचरा उठा लेंगे, तुम जाके बैठो। तो इसके लिए मैं बोली चलो, वो जब पंखा साफ किया कचरा हो ही गया, तो मैं बोली चलो ये सब भी झाला भी साफ कर लूँ, झाला जितना घर पे रहेगा उतना घर में पनौती लगता है, घर में पनौती लगता है, बरकत तो ये चला जाता है। तो इसके लिए मैं पूरा झाला वाला साफ कर लिए एक ही बार में। और वो खिड़की में ना, वो खिड़की जो है ना, और क्यों उधर का रोड साइड का जो खिड़की है ना, रोड साइड का खिड़की कितना भी झाला साफ करो, हर दो दो दिन में मैं झाला साफ करती हूँ, जब झाड़ू लगाती हूँ तब वो खिड़की को पूरा झाड़ू से साफ करती हूँ, फिर भी उधर झाला हो जाता है। अब भी साफ की शाम तक देखेंगे, जैसे लाइट ऑन होएंगे ना उधर का दिखाई देंगे, पूरा खिड़की में झाला हो गया, इतना ये हो जाता है। तो पूरा झाला वाला साफ की सब कर ली, खाना भी बन गया, उधर रात दी कचरा और लड़का वाला मैं उठा लेंगे, तो मैंने बोले ठीक है चल, मैं मेरे को बोलते तुम जाके बैठो, मैं कर ले रही कर रहा हूँ, वो ये कुर्सी सब साफ किया, सब ये किया, वो करता है, ऐसा नहीं मेरी लड़की को बोलना पड़ता है काम कर ये कर रहे वो कर रहे, उसको नहीं बोलना पड़ता है, लड़का को नहीं बोलना पड़ता है, लड़की को बोलना पड़ती है, लड़की को बोल के कराना पड़ती है हर एक काम, लड़का को नहीं, लड़का खुद से सब करता है। अभी तो लड़की तो रात को मोबाइल देखते रहती है, हम लोग सो जाती है वो मोबाइल देखते रहती है, नहीं तो बेडरूम में सो जाती है, फिर भाजी उजी सब वैसा ही पड़ा रहता है गैस के ऊपर, ना गैस धोती है ना कुछ नहीं, उसका पापा 3 बजे 4 बजे जाके उठाती है, फिर आके इधर सो जाती है ऐसे करके, फिर मैं सुबह गुस्सा था मेरे को तब मैं मारती हूँ उसको, पकड़ के मार के उठाती हूँ, क्या करेंगे ऐसे ही, तो यही चल रहा है, क्या करें, कुछ नहीं, कुछ वास्ता ही नहीं, कुछ भी नहीं।